हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मेथड ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। अर्लियर वीडियोस में हमने देखा कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्या होती है। दैट मींस कि किसी एरिया के लिए जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसे समझना फॉर दी वाटर सप्लाई स्कीम। एक वाटर सप्लाई स्कीम को डिजाइन करने के लिए मुझे आगे के 15 से 30 सालों की पॉपुलेशन को फोरकास्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए जो हम मेथड्स यूज करते हैं, हमने देखा कि अरिथमेटिक इंक्रीज होती है, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड होती है। तो द फर्स्ट मेथड जो है हमारी, दैट इज अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, जो आज हम डिस्कस करेंगे। अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। तो हमने देखा कि किसी सिटी के टाइप के बेसिस पे, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के बेसिस में, ग्रोथ के बेसिस में हम किसी पर्टिकुलर मेथड को अडॉप्ट करते हैं। तो अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड हम कब यूज करेंगे? जब हमें पॉपुलेशन में, हम सेंसिस को प्रेफर करते हैं पॉपुलेशन के, अगर हमें पॉपुलेशन में जो इंक्रीमेंट है वो कांस्टेंट देखने मिले, कांस्टेंट ग्रोथ देखने मिलेगी, तो हम यूज करते हैं अरिथमेटिक रेट ऑफ इंक्रीज मेथड का। ऑल्दो इस मेथड के लिमिटेड एप्लीकेशन होते हैं और ये मेथड हमारी बेसिकली लार्ज सिटीज के लिए यूज की जाती है, लार्ज एंड एस्टैब्लिश सिटी के लिए। इस मेथड में नाम से ही पता चल रहा है अरिथमेटिक इंक्रीज। फॉर एग्जांपल कि मैं रिफर करूं 2001 की पॉपुलेशन, तो 2001 में पॉपुलेशन अगर 20,000 थी, तो 2011 में आफ्टर वन डिकेड अगर मैं चेक करूं तो पॉपुलेशन मेरी होगी 40,000। अगर मैं आपकी चेक करूं 22 में तो दैट विल बी 60,000। मतलब मुझे क्या दिख रहा है इसमें, मुझे कांस्टेंट ग्रोथ रेट दिख रहा है। कितना? 20,000 का यहां मुझे इंक्रीज दिखा, 20,000 का यहां मुझे इंक्रीज दिखा, 1 से 11 में 20,000 का, 11 टू 22 में मुझे 20,000 का इंक्रीज दिख रहा है। दैट मीन्स जहां मुझे कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट देखने के लिए मिलेगा, यहां पर मेरा कॉन्स्टेंट रेट क्या है, ग्रोथ रेट 20,000 पर डिकेड। तो जहां आपको कांस्टेंट ग्रोथ रेट दिखने मिलेगा, आप वहां पे अरिथमेटिक रेट ऑफ इंक्रीज मेथड को यूज करते हैं। बेस्ड ऑन द अजम्पशन हम समझें कि अरिथमेटिक इंक्रीज क्या होता है, तो हम देखें कि इसे कैसे कैलकुलेट करना है। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, जिस रेट से पॉपुलेशन चेंज हो रही है, जैसे हमने यहां देखा 1 में 20, देन 11 में 40,000 हो गई, तो मेरा 20,000 का मुझे यहां पे इंक्रीज देखने मिला, देन 2011 से 2022 में फिर 40 टू 60,000 हो गई, तो मुझे 20,000 का ग्रोथ रेट मिला। तो उसी रेट के यहां पर हम बात कर रहे हैं। इन दिस मेथड हम अज्यूम करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विथ टाइम t is constant। तो एग्जाम्पल में भी आपने देखा कि हाँ, रेट ऑफ चेंज जो है, ग्रोथ रेट जो है, वो हमारा कॉन्स्टेंट है। 20,000 पर डिकेड आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इसे हमने अज्यूम कर लिया कि अरिथमेटिक मेथड में रेट ऑफ जो हमारा पॉपुलेशन चेंज है टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, दैट चेंज इन पॉपुलेशन with respect to change in time is constant, dp upon dt will be constant. here p क्या है आपका, population को represent कर रहा है, and t क्या है, this t will be change in time, delta लगा दिया है, मतलब change represent कर रहा है। तो मैंने मान लिया कि ये change क्या है, constant है, dp upon dt is constant, मैंने इस constant को represent किया है k से। तो अगर मैं इसे और solve करूं तो that will become dp is equals to k into dt। अब अगर हम इसे integrate करते हैं between the p
P T1 तो 2 P T2 दैट इज डी पी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट मेरा बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन और हम इसे किसके बीच में इंटीग्रेट कर रहे हैं बिटवीन दी T1 to T2 टाइम के बीच में दैट कॉन्स्टेंट विल बी कम आउटसाइड तो इसको हम लिख सकते हैं के T1 to T2 एंड दैट विल बी dt सिमिलरली हियर PT1 PT2 and dt अगर मैं इसे सॉल्व करती हूं तो मेरी इक्वेशन क्या आ जाएगी PT2 minus of PT1 is equals to K T2 minus of P1 दिस विल कम राइट इसको हम आगे और देखें तो हमारे PT2 और PT1 क्या है दैट आर दी पॉपुलेशन एट द टाइम T1 एंड एट द टाइम T2 एंड T2 एंड T1 हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइम को जिसके करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन को हमने PT2 एंड PT1 से रिप्रेजेंट किया है दैट मीन्स जो हमारी पॉपुलेशन का इंक्रीज है रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर डिकेड वो T2 से T2 के बीच में वेरी कर रही है तो मैं इसे सिंप्लीफाई करके और लिख सकती हूं दैट Pn इज इक्वल्स टू P0 प्लस n x बार हियर x बार क्या होगा दैट इज एवरेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज पॉपुलेशन इंक्रीज पर डिकेड मतलब जितनी एवरेज पॉपुलेशन आपकी एक डिकेड में बढ़ रही है उसे हमने यहां पे रिप्रेजेंट किया है एक्स बार से अगर हम इस एग्जांपल को फिर से समझे तो कितनी पॉपुलेशन पर डिकेड बढ़ रही थी 20,000 तो इस 20 + 20 का अगर मैं एवरेज लेती हूं तो ये कितना हो जाएगा 20,000 + 20,000 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 40,000 डिवाइडेड बाय टू एवरेज मुझे निकालना है तो वो हमारा क्या आ जाएगा ग्रोथ रेट अगेन 20,000 का तो वही चीज हमने यहाँ ली है कि एक्स पर हमारा क्या होता है हमने फॉर्मूला फॉर्म किया है फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार पी एन एंड पी नॉट हम क्या समझ रहे हैं जो T2 से T1 में हमारा चेंज हो रहा था इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते थे PT2 इज इक्वल टू अगर मैं PT1 को इधर लेकर आ जाऊं तो दैट विल बी PT1 प्लस के ऑफ T2 माइनस ऑफ T1 ये आपको मिल जाता तो वही चीज हमने यहाँ पर समझी है कि n क्या है मेरा n इज नंबर ऑफ डिकेड्स T2 माइनस T1 जितने नंबर ऑफ डिकेड्स का चेंज हो रहा है नंबर ऑफ डिकेड्स मतलब ये नंबर ऑफ डिकेड्स क्या है हम इस एग्जांपल में समझे 2001 से 11 वन डिकेड 2011 टू 12 वन डिकेड मतलब ये क्या है ए हमारे जो 10 साल होते हैं उसका एक डिकेड होता है तो हम यहाँ पर n को क्या ले रहे हैं एज अ नंबर ऑफ डिकेड्स एंड x बार इज द एवरेज पॉपुलेशन इंक्रीज पर डिकेड एक आपके डिकेड में कितनी एवरेज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है इसके बाद हम बात करते हैं पी नॉट की तो पी नॉट आपका क्या होगा जो भी प्रेजेंट पॉपुलेशन आपको गिवन है प्रेजेंट पॉपुलेशन इस एग्जाम्पल में हम देखें प्रेजेंट पॉपुलेशन हमको लास्ट कौन सी गिवन थी 2022 की कितनी थी 60,000 मतलब पी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 60,000 एंड व्हाट विल बी पीएन पीएन इज फोरकास्टेड पॉपुलेशन मतलब जिस ईयर में मुझे कैलकुलेट करना है पॉपुलेशन उसे हम बोलेंगे फोरकास्टेड पॉपुलेशन अगेन इस एग्जांपल में समझते हैं अगर मुझे यहां पूछा जाए कि 2042 में पॉपुलेशन कितनी होगी तो ये जो पॉपुलेशन है दैट विल बी पीएन फोरकास्टेड पॉपुलेशन पी नॉट क्या होगा जो प्रेजेंट में पॉपुलेशन गिवन है 2022 की 60,000 तो यहाँ पी नॉट की जगह हम रखेंगे 60,000 एन की जगह हम क्या करेंगे नंबर ऑफ डिकेड्स कितने नंबर ऑफ डिकेड्स चेंज हो रहे हैं 22 से आपको 42 में चाहिए मतलब 2 डिकेड्स 22 to 32 वन डिकेड एंड 32 to 42 आपका सेकेंड डिकेड तो यहाँ 2 आ जाएगा एक्स बार की जगह क्या आएगा एक्स बार क्या है एवरेज पॉपुलेशन इंक्रीज एवरेज पॉपुलेशन इंक्रीज 20,000 हम ऑलरेडी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं तो इस तरह एरिथमेटिक इंक्रीज मैथड में एरिथमेटिक रेट इंक्रीज मैथड में हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे
दैट इज पी एन इज इक्वल टू पी नॉट एन एक्स बार फॉर कैलकुलेशन ऑफ फोरकास्टिंग द पॉपुलेशन. थैंक यू.